जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के द्वारा शिक्षकों पर की गई टिप्पणी को लेकर शिक्षा वर्ग में रोष बढ़ता गया। विभिन्न शिक्षक संगठन पहले ही इसका विरोध जता चुके हैं। मंगलवार को धर्मशाला टीचर्स एसोसिएशन ने काले बिल्ले लगाकर जल शक्ति मंत्री की टिप्पणी का विरोध किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति मंत्री को जल्द ही अपनी टिप्पणी पर शिक्षा समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर जहां अनुशासित और सरल है, वहीं उनके सरकार में जल शक्ति मंत्री द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना शिक्षक वर्ग के लिए असहनीय है। उन्होंने कहा कि यदि जल शक्ति मंत्री अपने शब्दों को वापस लेकर शिक्षा समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो शिक्षक वर्ग अपनी आगामी कार्रवाई के तहत उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार भी करेगा। इस दौरान जल शक्ति मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिमला में मंगलवार शाम को इस मुद्दे पर कहा कि उन्होंने किसी को आहत करने के लिए इस तरह की बयानबाजी नहीं की है। उन्होंने कहा कि इसको गलत ना लें। उन्होंने कहा कि शिक्षक हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी हैं और उन्होंने शिक्षकों को आहत पहुंचाने के लिए इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं की है। उन कैडर के भी हैं जो टीचर जो भी और कम्युनिटी है उन सभी के, और जो रिटायर हो चुके हैं, जो यहाँ से रिटायर हो चुके जिन्होंने पढ़ाया है, वो भी इस बात को सुनकर, इस मंत्री जी के बयान को सुनकर आहत हुए हैं। और उनका आहत का नतीजा ये है कि फोनों पे फोन हमें भी आ रहे हैं, हर किसी को फोन आ रहे हैं, जिसकी हम वत्सल्य कर रहे हैं। मंत्री जी जल्दी से जल्दी अपना जो है वो इसको शब्द जो है इनको वापस लें, तत्काल प्रभाव से वापस लें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। ये बात अभी नहीं बताएंगे लेकिन बाद में जरूर होगा। ये एक और फैसला लिया मंत्री जी के कार्यक्रमों के बहिष्कार, बिल्कुल लिया है, ये लिया है हमारी स्टेट बॉडी ने, किया सभी ने, जितने टीचर समुदाय सभी ने लिया है कि इस प्रकार के अगर ये अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो हम जो है वो इनके हर फंक्शन का जो है बहिष्कार करेंगे। जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के काबीना मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने जो एक बयानबाजी की है कि टीचर के खिलाफ जो भद्दी टिप्पणी की है उसकी भत्सरना कर रहे हैं हम, उसको कंडमन करते हैं। हिमाचल प्रदेश की एजीसीटी स्टेट बॉडी ने भी की है और हमारी धर्मशाला यूनिट जो है एजीसीटी वो भी इसकी भत्सरना करती है कि इस प्रकार के शब्द जो गुरु के लिए एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को शोभा नहीं देते और उनको अपने जो शब्द हैं जो वापस इमीडिएटली लेने पड़ेंगे, नहीं तो आगे क्या स्टेप होगा वो हम सब बैठ के जो अगली जो रणनीति वो बनाएंगे। और इस प्रकार के जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि टीचर कुछ नहीं करते, टीचर ने इसमें मजे हैं उनके, अब उनसे पूछिए आप कि हम टीचरों ने क्या क्या कोरोना काल में क्या कुछ नहीं किया है, मतलब बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ये इवन तक कि ऑनलाइन क्लासेस तो छोड़ दीजिए, वो तो हमारा कर्तव्य है वो पढ़ाना था, इसके बावजूद हमारे हर यूनिट ने एनएसएस ब्लड से लेकर एनसीसी से लेकर हर किसी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और हर किसी ने इसमें भाग लिया है, हर किसी जो मोटो दिया गया। लेकिन मंत्री जी क्या चाहते हैं, मंत्री वो गुरु की परंपरा को भूल गए हैं। देखो एक गुरु की परंपरा जो उसको बना, मैं माननीय जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय ठाकुर जयराम जी का तहे दिल से भारी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा माने मंत्री जी को भी कि ठाकुर जयराम जी से वो सीख लें कुछ, क्योंकि उनकी जो भाषा और उनकी जो एक रिस्पेक्ट वो देते हैं, जो टीचर के लिए उनके मन में जो सम्मान है, हम दाद दे दें, जो बात तारीफ करने वाली हो तो उसकी हम दाद देंगे। माने मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश ठाकुर रामलाल जी से ये कुछ सीखें और अपने जो इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो की, जो टिप्पणी इन्होंने की है, इन शब्दों को तत्काल प्रभाव से वापस लें, नहीं तो आगे क्या होगा ये हम बाद में बताएंगे।